Hey guys, welcome back to another video. So आज डेटाबेस और SQL की सीरीज में हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज शुरू करने जा रहे हैं. इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीशन कर सकते हैं डेटा को. टेबल बनाया था पहले हमने, स्ट्रक्चर बनाना सीखा था अभी तक. अब स्ट्रक्चर के अंदर डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे और मॉडिफाई करना सीखेंगे. नाउ हाउ टू डू इट, लेट्स स्टार्ट इट. हाँ, अब हम लोग कहेंगे, लिखेंगे इंसर्ट. हम लोग फर्स्ट सीखेंगे इंसर्ट करना, ठीक है? क्योंकि इंसर्ट नहीं करोगे तो तब तक डिलीट नहीं कर सकते हम लोग कुछ भी, और तब तक हम लोग शो भी नहीं करा सकते, ना ही तब तक हम लोग डिलीट मार सकते हैं किसी भी चीज़ को. नाउ इंसर्ट इनटू लिखेंगे एंड देन हम लोग लिखेंगे टेबल का नाम, ठीक है? STUD लिखते हैं. ऑब्वियसली STUD हमने आपको पता होगा, STUD नेम का मैंने टेबल बनाया था पहले, तो वही वाले टेबल के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ इंसर्ट करना सीखेंगे. अब हम लोग लिखेंगे कॉलम्स के नेम, ठीक है? कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैंने एक एक्स्ट्रा गैप छोड़ दिया है, वो हम लोग बैक नहीं कर सकते. एक बार अगर एंटर प्रेस कर दिया तो उस वजह से मैं नहीं कर पाऊंगी बैक. इसके अंदर हमारे पास क्या था, एनरोल. छोटे में लिखती हूँ, बेटर रहेगा. और था हमारे पास नेम, और था हमारे पास कोर्स, और था हमारे पास मोबाइल नंबर. बस ये थे. अल्टरनेट मोबाइल नंबर हमने डिलीट मार दिया था, और मैंने न्यू भी डिलीट मार दिया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था वो. उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे वैल्यूज़. ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है? सिंटेक्स ही चला हुआ आ रहा है. अब ये तरीके, दो तरीके हैं इसके अंदर इंसर्ट करने के. एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है? नाउ वैल्यू लिखेंगे. वैल्यू के अंदर हम लोग ब्रैकेट में वैल्यूज लिखते रहेंगे. इसके पहले एनरोलमेंट की वैल्यू लिखती हूँ मैं. लेट्स से कि एनरोलमेंट नंबर जो है वो मेरा है ये, मतलब ऐसे ही मैंने बना दिया, ठीक है? ये चलो, ये है हमारा एनरोलमेंट नंबर. नेम है मेरा ईस. अच्छा, ईस को ना मेरे को कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वेर केयर वैल्यू है, तो इज लर्निंग लिख देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे कॉमा बना देते हैं, मतलब ये, और कॉमा लिखते हैं, BCA लिखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग BCA की कोर्स है ये पूरा, तो BCA लिख देते हैं. नेक्स्ट मोबाइल नंबर आएगा. मोबाइल नंबर हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं. मोबाइल नंबर हम लोग लिखेंगे ये, ठीक है? 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए यार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा 9 का भी. चलो 10 का कर दिया मैंने. ये ऐसे बना दिया नंबर, कभी सोचो सही में नंबर है फ़ोन नंबर, ऐसे नंबर थोड़ी होते हैं मेरे. चलो जी, ठीक है. मैं सोच रही हूँ यार कम ही कर दूँ क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ तो दिक्कत होगी. चलो कोई बात नहीं. नाउ हम लोग करेंगे सेमी कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे 0 1 रो इफेक्टेड. मतलब क्या है, 1 रो बन चुकी है हमारी. अच्छा, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट कमांड, ठीक है? सिलेक्ट कमांड लिखूंगी मैं, और सिलेक्ट स्टार लिखते हैं. स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑल. हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसे, सिलेक्ट ऑल, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है? STUD और सेमी कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे. इसमें क्या आ गया, हमारा जो हमने जो इंसर्ट किया था वो वाला डेटा हमें दिखाई दे गया. अच्छा, अभी हम लोग ने ये चीज़ की है, ठीक है? अगर इंसर्ट करने से पहले मैं देखती तो यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ आ जाता, MPT सेट ऐसे करके कुछ लिखा होता. मतलब कि डेटा जो है वो एक्चुअल में इंसर्ट किया ही नहीं गया, तो फिर हम लोग कैसे, हमें कैसे दिखाएगा वो, राइट? अच्छा, सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. अभी हमने सिर्फ इंसर्ट करना सीखा है, तो डोंट फरी, वो चीज़ें भी आएंगी हमारी धीरे धीरे करके. इंसर्ट करने का एक और तरीका होता है ना, इंसर्ट करने का क्या तरीका होता है वो देखते हैं, है ना? हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू STUD, ठीक है? अब लिख देंगे डायरेक्ट ये वाली वैल्यू, ठीक है? ये वाली वैल्यूज बिना कॉलम के नाम लिखे, तो ये भी पॉसिबल है. ये ऐसे भी हम लोग अगर एंटर करेंगे तो वर्क कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की वाला सीन आ रखा है, तो हम लोग दूसरी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी हम लोगों को, है ना? इसलिए एरर आ गया. ये प्राइमरी की वाला सीन है ना इसमें, तो प्राइमरी की क्या थी हमारी, प्राइमरी की थी हमारी ये वाली की,
शिट क्या कर दिया मैंने, ये प्राइमरी की थी हमारी, ये वाली नंबर वाली की है ना, तो मैं इसको कुछ चेंज कर देती हूँ इसमें, और इज लर्निंग की जगह भी मैं चेंज कर देती हूँ कुछ और, इज लर्निंग की जगह मैं कर देती हूँ इज गेमिंग। मेरे पास गेमिंग का भी चैनल है गाइस, किसी को पता ना हो तो ये भी बता देती हूँ मैं। नंबर को भी चेंज कर देते हैं हम लोग, शायद नंबर भी यूनिक था हमारा, या नहीं भी था तो भी ठीक है यार, चेंज कर देना चाहिए अपन को। नंबर भी मैंने चेंज कर दिया, और अब मैं करूँगी एंटर, और जीरो ऑफ रो इफेक्टेड हो गया काम। अब मैं फिर से सिलेक्ट करके देखूँगी कि हमारा जो ये जो एंट्री है वो हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार एस फ्रॉम एसयूडी। तो वैसे ही मैं एंटर करूँगी, यहाँ पे मेरा नया वाला जो इंसर्शन है वो भी हो गया। यहाँ पे पहले ईज लर्निंग लिखा था, अब ईज गेमिंग लिखती है। ठीक है गाइज, प्लीज़ चेक करना मेरा ईज गेमिंग वाला चैनल भी, वहाँ पे मैं पबजी खेलती हूँ, अगर आप लोग पबजी में इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अभी तक हम लोगों ने इंसर्शन सीख लिया है। आई थिंक ये वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए मुझे, इंसर्शन हम लोगों को अच्छे से आ चुका है अभी। इंसर्शन के दो तरीके होते हैं, फिर से रिवाइज कर रही हूँ मैं वीडियो को, जिसमें से पहले हम लोग कॉलम का नाम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसके बाद फिर वैल्यू लिखते हैं और वैल्यूज सारी लिख देते हैं। अच्छा एक चीज़ रिमेंबर रखना कि हमेशा जब भी आप इंसर्ट करोगे किसी भी टेबल के अंदर स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर या क्या नाम है उसका, कैर वैल्यूज को, हमेशा आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है, रिमेंबर दैट और वेज एंड बस। होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं गाइस, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और आज का आपको होमवर्क रहेगा कि ना आप इसके अंदर अपना नाम, अपने भाई का नाम, अपने दोस्तों का नाम, सबका नाम लिख के आओ, और जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज भी चेंज चेंज करके लिखना। और मैंने आपको कोर्स बनाना सिखाया था ना एक बार कि कोर्स भी बनाना, तो जो वो उसके अंदर आपने कोर्सेज यूज़ किया है ना, वही वाले कोर्सेज यहाँ पे भी यूज़ करना। ठीक है, वही वाले यूज़ करना सिर्फ, क्योंकि मैं जब प्राइमरी की सिखाऊंगी तो आप उसको मैनेज कर पाओ। ठीक है, अभी मैंने बीसी लिखा है, हम लोग चाहें तो इसके अंदर और भी इंसर्ट कर सकते हैं, मैं इंसर्ट करके लाऊंगी, आप भी करना। मैं अपने दोस्तों का नाम लिख के आऊंगी बहुत सारे, और आप भी लिखना। ठीक है गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और दैट्स इट।